किथे भी पता लगता है माड़ा मोटा कोई हो बंदा उस जान जरूर तैयार है, पर पता ही नहीं लगा किथे गए। जिस तरह घरों निकले उतों उस जिते कपड़े चेंज करके गए आ उतों पता ही नहीं लगे किथे चल गए। स्कूल वाले ने गलबात की है, स्कूल के अंदर झगड़ा होया पर प्रिंसिपल कहता मैं निपटाता से आपस में। उस तो बाद बाहर आ गया, बाहर आ के इन्होंने मुंडिया आपस में इश्तहार भी छापने देते आ जेडे कि वख वख संस्थावां दे मूहरे बस स्टैंड बसां दे पिछे लगाए जाणगे। ठीक ठीक दस बात तुहाडी गल वध जाणी। उह कहिंदा उह किथे लड़ाई लड़ूगी ते गया, लड़ाई कर किते गया। मैं कहा तू नाल क्यों नहीं गया। होशियारपुर विखे घरों पढ़न गए दो बच्चों के लापता होने की खबर सामने आई है। जो चार दिन पहला स्कूल विच पढ़न लई घरों गए सन पर अज तक वापस नहीं परते। बच्चों के लापता होने नूं लैके उन्हां दे मापिआं विच चिंता का माहौल पाया जा रहा है और दोवें बच्चों के परिवार गम विच डुबे हुए ने। की है पूरी खबर आओ दसदे हां। चार दिन पहला होशियारपुर के मुहल्ला दीपनगर और संतोख नगर के रहण वाले दो बच्चे जसकरण सिंह ध्रुव घरों स्कूल पढ़ने लई गए सन पर वह स्कूल विच नहीं पहुँचे और रस्ते विचों ही किधरे गायब हो गए, जिन्हों का अज चार दिन बाद भी पता नहीं चल सकिया। बच्चों की गुमशुदगी तो बाद उन्होंने परिवारों में चिंता का माहौल पाया जा रहा है और वार बार पुलिस को कार्रवाई तेज़ करने की अपील की जा रही ने पर अजे तक पुलिस के हाथ खाली नज़र आ रहे ने। इस संबंधी गलबात करदिया लापता हुए बच्चे जसकरण सिंह दे दादा दिलबाग सिंह ने दसा कि साडे अते पुलिस वल्लों बच्चों लभण की पूरी कोशिश की जा रही है पर अजे तक कुछ पता नहीं चल सकिया। बच्चे की माता ने भी अपने पुत्र दे लापता होने ते चिंता जताई। देखो जी कोई पता नहीं लगा, अभी पुलिस ही पुरही रहा पूरा खानाबारी की कागज पत्र देते हुआ डेली उत्थे जाइदा भी आ पता करने वास्ते, कुछ अज तक कोई जवाब नहीं आया की है की नहीं, कुछ नहीं पता लगा। माड़ा जहा भी पता लग जाए तो बंदा इनकुआरी करता, बंदा जाता है या दोस्त मित्र जाते हैं, नहीं कुछ पता ही नहीं लगा। हाँ हर जगह थोड़े सामने आए हुआ आ के चले भी गए, कोई आता जाता दूरों दूरों नहीं पता लगा कुछ भी। यारा दोस्तों भी पूछा कोई पता नहीं लगा, कितने भी पता लगता है माड़ा मोटा कोई हो बंदा उत्थे जान जरूर तैयार है पर पता ही नहीं लगा कितने गए। जिस तरह घरों निकले उतों उस जिते कपड़े चेंज करके गए आ उतों पता ही नहीं लगे कितने चल गए। वो मुंडे नू दस के गए, उन्होंने कहा भी उन्होंने क्योंकि मैं अभी उन्होंने घर गए सी, मैं मुंडे कितने तू कितने है तू, तो कहता भी मैं कहा इकट्ठे पढ़ते हैं, तो मैं क्या भी किदा इतने जसकरण होने आए सी, कहिंदा आए थे कपड़े चेंज करके गए आ, मैं क्या भी कपड़े कितने आ, कहिंदा कोटी उन्हें जाके अपने कपड़े देखे, वो कहिंदा आ मेरे आ मेरे आ मेरे आ कोटी जसकरण की लगती है, मैं क्या कहिंदा थोड़ी जी छोटी जी लगती है, कहिंदा नहीं भी नाल दूसरे की होएगी। वो देख के असं बाहर आ गए, बाहर आके उन्होंने पूछा पुत्र सन दस कितने गए आ, ठीक ठीक दस बात थोड़ी गल वध जानी है। वो कहिंदा वो कितने लड़ाई लड़ूगी तो गए आ, लड़ाई कर कि गए। मैं कहा तू नाल क्यों नहीं गया, कहिंदा मैं नहीं गया। उम्र वो जसकरण की उम्र अब 16 साल पूरा होया मेरे ख्याल, जो बर्थडे से अज तो बाद नज़र नहीं आए, 3-4 दिन हो गया। स्कूल वाले ने गलबात की है, स्कूल के अंदर झगड़ा होया पर प्रिंसिपल कहिंदा मैं निपटाता से आपस में। उस तो बाद बाहर आ गया, बाहर आके इन्होंने मुंडिया ने आपस में गलबात हुई आ, जिस मुंडे ने लड़ाई हुई आ वो पहले जसकरण का दोस्त बन गया, दोनों का बाद कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, कॉम्प्रोमाइज़ हो के वो मुंडा जिहड़ा नाल दा सी जिन्ना जिहदे नाल गया आ उन्हें अपने दोस्तों नूं बुलाया, वो दोस्त कोई कुछ कोई लोहे का पीस भी सी इहनूं मारन वास्ते आया, तो जसकरण साडे ने कीता उहदे चपेड़ मारी आ इदा मारिया भी देखेंगे की कर लूंगा, कहते देखेंगे की कर लूंगा, वो कहना भी कोई गल नहीं तेरा बर्थडे आ रहा तेने बर्थडे नहीं देखने देवे। नहीं हजे तक नहीं कुछ नहीं पता लगा। चौथा दिन 25 तरीक दे गए नहीं बारे भी कोई जानकारी नहीं 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 हजे तक नहीं कुछ नहीं।
हाँ जी बिल्कुल सही से खुश गया स्कूले हाँ जी हाँ जी गलबात करके गया नहीं इदा की कोई गल नहीं हुई हैगी इदा नहीं मैं सानू नहीं पता है इस बारे बस टेंथ ध्रुव है इको सेम क्लासमेट ही है सेंट सोल्जर स्कूल पुलिस बस हूँ लगी है कह रही है बाकी तानी मैं इस संबंधी गलबात करदिआं कौंसलर जसविंदर पाल ने दसा कि साडे वल्लों बच्चे की हर जगह तलाश की जा रही है उन्हां आख्या कि सानू पुलिस उत्ते यकीन है कि वह जल्द ही बच्चों का पता लगा लेगी घर पर इदा सर आप सवेरे 10 बजे मैंने फोन आया सी इंचार्ज पुलिस चौंकी तो आप घरदिआं नूं नाल लैके मैं गया उत्थे उन्होंने मैनू दिखाया काफ़ी कार्रवाई कर रहे अपने लैवल से इश्तहार भी छापने देते आ जिहड़े कि वख वख संस्थावां दे मूहरे बस स्टैंड बसा के पिछे लगाए जाएंगे उन्होंने ज जो जानकारी सानू दिती है बाकी वो अपने लैवल से काफ़ी कुछ करते पे आज प्रेस के सारिया चाह अखबारों खबर आई वो सारी कटिंगा वगैरह जिथे जिथे रिपोर्ट करनी से भेज रहे हैं नहीं अजे तक नहीं सीनियर तक नहीं असी की अज छुट्टी सी शायद कल करा वैसे इन्होंने ही हुई है पूरी चौकी गलबात हुई है साड़ी तो काफ़ी कोशिश करते मेहनत कर रहे हैं सानू थोड़ा जा उन्होंने भरोसा आ उधर जदों इस संबंधी पुलिस चौकी के इंचार्ज रजिंदर सिंह नाल गलबात की गई तो उन्होंने दसा कि पुलिस हर पहलू की डूंघाई नाल जांच कर रही है और शहर में वख-वख थावां ते सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे ने मेरे विच मुकदमा नंबर 306 उहदे पिता जी दे बयान दर्ज किया सीसीटीवी जिहड़े सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए उह ते उहदे विच दोनों बच्चे समूथली इकट्ठे जा रहे ध्रुव ते दोनों फिर भी हर अंगल से तफ्तीश की जा रही है लभनी हर संभव कोशिश की जा रही है नहीं नहीं उसना नहीं उस बाद दोस्ती हो गई थी कट्ठे दोनों जो देखे गए कट्ठे जाते हैं लड़ाई वाली कोई गल सामने नहीं आई इन्होंने अजे नहीं नहीं कोई किडनैपिंग का मामला नहीं है नॉर्मल गए बच्चे इतों साफ मूवी देख रहे हूँ भी सर्च कर रहे हैं जिन्हें सीसीटीवी है फतेहगढ़ चुंगी तो होर एरावा जिहड़े रोड जाते हैं उन्होंने देखते दे किस किस सैड में गए ये इश्तहार जारी किए गए दोनों इन्हों के न्यूज़पेपर भी खबर लाई गई इन्हों से सारे इश्तहार शरोगा वगैरह वायरस वगैरह की दस दिए कि मापे बेहद डरे हुए ने उन्होंने डर सता रहा है कि कितने उन्होंने बच्चों नाल कोई अणहोनी ना वापर जाए फिलहाल देखना होगा कि पुलिस कदों तक इन्हों लापता हुए बच्चों का पता लगाती है हुशियारपुर तो अमरीक कुमार की रिपोर्ट हमदर्द टीवी।